हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है अपने बाइक के चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आप सबको दिखाने वाला हूँ बजाज ऑटो रिक्शा का मैग्नेट फ्लाईव्हील कैसे चेंज करते हैं। आज मैं आप सबको इजी तरीके से दिखाने वाला हूँ। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार, और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करके वीडियो को देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये गाड़ी का प्रॉब्लम है, मैग्नेट फ्लाईव्हील पूरा घिस गया है, सेल्फ नहीं हो रहा है, सेल्फ में बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है मैग्नेट फ्लाईव्हील। तो जब भी ये जो गार्ड है, पिनियन है, फ्लाईव्हील पिनियन है, वो पिनियन पूरा घिस गया है। तो मैंने ये फ्लाईव्हील को चेंज कर रहा हूँ। तो चेंज करने के लिए मैंने खुल रहा हूँ, मैग्नेट खुल रहा हूँ। ये देखिए, मैग्नेट कवर खुल रहा हूँ। पहले मैंने रेगुलेटर खुल चुका हूँ, देख लिया होगा। इस वक्त मैंने प्लग कैप खुल लिया है। तो मैग्नेट कवर खुल रहा हूँ, ये देखिए मैग्नेट कवर नट पूरा खुल चुका हूँ। ये देखिए, मैग्नेट का फैन। तो मैंने इस वक्त मैग्नेट फैन खोल लूँगा, इसके बाद मैंने मैग्नेट कवर और एक पार्ट रह गया है वो भी खोल के और मैग्नेट खुलते हैं। तो कैसे खुलते हैं और कैसे फिटिंग करते हैं और क्या काम कर रहा हो, सब वीडियो पे देखिएगा। तो देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। बहुत मेहनत से बना रहा हो वीडियो, तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा हेल्प कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कर लेना दोस्तों। ये देखिए, मैग्नेट फैन, तो फैन के नट खुल चुका हो। ये देखिए, 8 नंबर बोल्ट है, 3 बोल्ट है, 3 बोल्ट खुल के ये फैन को आउट कर लेते हैं। ये देखिए, तो मैंने फैन आउट कर दिया है। इस वक्त कचरा जम गया है नट पर, नट बोल्ट पे कचरा जम गया है। तो ये देखिए, ये भी कवर खोलना पड़ेगा। ये कवर खोलने के बाद मैंने मैग्नेट नट खोल के तो पूरा मैग्नेट खोल लेते हैं। ये देखिए, कबार खुल चुका हो दूसरे पार्ट। तो ये देखिए, मैंने 14 नंबर सकट मैग्नेट बोल्ट, मैग्नेट बोल्ट के पास लगा लिया है। तो मैग्नेट बोल्ट मैंने खोल के आप सबको दिखाऊंगा। ये देखिए, मैग्नेट फुलर भी लगा लिया है। इस वक्त मैंने नट का खोल रहा हूँ। ये देखिए, देखिए दोस्तों काम देखते देखते हमारे साथ थोड़ा मेरा बात
सुन लीजिएगा। तो दोस्तों ये जो काम है तो ये काम अपना गाड़ी जो ऑटो रिक्शा है तो ये काम बहुत ही करना पड़ेगा, तो मैग्नेट ज़रूर डैमेज होगा और प्लाईवुड डैमेज होगा और कॉइल भी डैमेज होगा। तो जब भी अपना ये डैमेज हो जाए तो ये मैग्नेट ऐसे ही खुलना पड़ेगा, तो ऐसे खुलना पड़ेगा तो अपना गाड़ी का तो अपने गाड़ी अपने ही खुल सकते हैं। तो हमारे साथ वीडियो के साथ देखते रहिए, बने रहिए, पूरा कैसे खुलते हैं और कैसे फिटिंग करते हैं तो पूरा देखने के बाद अपने ही आप अपना गाड़ी का खुल सकते हैं बिल्कुल आसानी से। कोई रेंस वेंस तो ज़्यादा नहीं लगेगा ये सामान खोलने के लिए, सिर्फ 8 नंबर चॉकेट, 10 नंबर चॉकेट और 14 नंबर सॉकेट सॉकेट या रिंग 14 नंबर आसानी से खुल सकते हैं मैग्नेट लग करके। तो ये जो काम दिखा रहा हूँ पूरा ध्यान से देखोगे, पूरा ध्यान से देखोगे तो कुछ ना कुछ समझ आएगा जो कैसे खुलते हैं, क्या काम करना है, क्या क्या खुलना पड़ेगा, तो सभी अपना ही समझ आएगा। दोस्तों मैंने जो वीडियो दिखाया है तो ये देखिए मैग्नेट खुल चुका हो। तो मैग्नेट खुलने के बाद ये जो प्लाईवुड रिंग है तो मैंने ये गड्डी का जो मैग्नेट है मेन मैग्नेट पूरा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने ये साइड पे जो दाना वाला दिख रहा ही होगा पूरा घिस गया है, तो ये रिंग मैंने चेंज कर रहा हूँ। तो ये रिंग देखिए, ये देखिए न्यू रिंग दाना वाला, ये देखिए दोस्तों ये चीज़ मैंने न्यू मंगाया है। तो मैंने वेल्डिंग करके इसका ऐसे ही लगाऊंगा, देखिए। तो पुराने वाला जो रिंग है तो पुराने वाला रिंग हटा के मैंने न्यू रिंग लगा लेते हैं, ये देखिए मैंने वेल्डिंग काट रहा हूँ। वेल्डिंग काटने के बाद मैंने इसको पूरा आर्ट कर लेते हैं, तो आर्ट करने के बाद और मैंने जो रिंग दिखाया है वो रिंग लगातार बैठ के वेल्डिंग मार लेता है, इसके बाद मैंने गाड़ी पर लगा लेते हैं। तो हमारे साथ देखते रहिए, बने रहिए, किस तरह काम करते हैं, कैसे काम करते हैं और क्या क्या सामान लगेगा और क्या करना पड़ेगा सभी समझ जाएगा वीडियो देखने के बाद। दोस्तों पूरा काट चुका है, ये देखिए इस वक्त मैंने इसको पूरा आउट कर रहा हूँ। ये आउट होने के बाद न्यू रिंग लगा लूँगा, देखिए तो साइड पे न्यू रिंग मैंने रख दिया है, वेल्डिंग मास्टर लगाएगा। ये देखिए पूरा लगा लिया है मैंने इसको मैग्नेट इंजन पे लगाऊंगा। इस वक्त मैंने जो
क्रैंक चाबी, तो क्रैंक लॉक कहते हैं, तो क्रैंक लॉक मैंने पूरा सेटिंग करते हैं, क्रैंक लॉक सेटिंग हो गया है। इस वक्त मैंने ये मैग्नेट को लगा रहा हूँ, तो ऐसे ही मैग्नेट लगाना चाहिए। मैग्नेट लगाने के बाद मैंने नट को लगाऊंगा। ये देखिए ये मैग्नेट बोल्ट है, पूरा क्रैंक के पास चला जाएगा टाइट होने से, तो इसको पूरा टाइट देना होगा। तो ये देखिए मैंने पूरा टाइट दे रहा हूँ, तो अच्छी तरीके से टाइट देना होगा। टाइट देने के बाद मैंने इसको खोल के, तो जो मैग्नेट कवर प्लास्टिक कवर, तो प्लास्टिक कवर को लगाऊंगा। इस वक्त मैंने ये देखे प्लास्टिक कवर को लगाऊंगा, कोई प्लास्टिक कवर ये देखिए। तो इसके बाद मैंने क्या करना पड़ेगा, ये देखिए मैंने फैन लगाऊंगा, यह प्लास्टिक कवर बैठा दिया है। इस वक्त मैंने फैन लगाऊंगा, फैन लगा के फैन टाइट करके मैंने पूरा फैन कवर को लगाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे ही काम करना चाहिए दोस्तों। तो हमारे भाइयों और दोस्तों जो देख रहे हैं, जिस जगह आप सब देख रहा है मेरा वीडियो, तो थोड़ा सा हेल्प कीजिए भाई। तो बहुत पहले ही मैंने ये चैनल बनाया है, ये चैनल बनाने के बाद मैंने कोई पेमेंट नहीं पाया है, तो 5 मंथ आगे मैंने एक ही बार पेमेंट मिला है, तो इस वक्त मैंने कोई पेमेंट सेमेंट नहीं मिल रहा है दोस्तों। बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन पेमेंट नहीं मिल रहा है दोस्तों। हमारे साथ थोड़ा सा हेल्प कीजिए, थोड़ा सा हमारे बात यकीन कीजिए दोस्तों। लाइक शेयर कमेंट करके थोड़ा सा हेल्प कीजिए दोस्तों। ये जो काम, ऑटो रिक्शा का काम और बाइक का काम और बहुत सारे काम मैंने करते हैं, डीजल इंजन करते हैं और पेट्रोल इंजन करते हैं, और जो वाटर पंप भी काम करते हैं, और बहुत सारे जो भी मार्केट पे जो भी मशीनरी है सभी काम मैंने करते हैं। तो जब भी और जो काम है वो काम ये चैनल पे डालते हैं, तो डालने के बाद कोई सपोर्ट नहीं पा रहा है, इसलिए मैंने सिर्फ ऑटो रिक्शा का वीडियो बनाते हैं। तो ठीक है, हमारे साथ देखते रहिए, बने रहिए। तो इस वक्त काम ख़त्म हो चुका है, चक्का लगा के मैंने तो पूरा इंजन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करके आप सबको साउंड सुनाऊंगा, हमारे साथ देखते रहिए, बने रहिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और हाँ न्यू वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर देना।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय। दोस्तों साउंड सुनिएगा ज़रूर, गाड़ी जब भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं सभी लगा या स्टार्ट दो, आप सब वीडियो पे देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों सही को बात है आगे। Stop the outside. Stop the outside.